नमस्ते एवरीवन, पूर्वांचल तड़का में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्ची हल्दी की सब्ज़ी। कच्ची हल्दी कुछ इस तरह दिखता है, ये अदरक की तरह ही रहता है। ध्यान से आप इसे देख लीजिए, ये आपको मार्केट में ठंडी के मौसम में अवेलेबल मिलेगा, बाकी सीज़न में ये नहीं मिलता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसे पील करना है, छिलका पूरा अच्छी तरह से निकाल कर हमें इसको पूरी तरह साफ़ कर लेना है। फिर इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम घी लेंगे। घी में हमें इस कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक के तल लेना है। घी यूज़ इसलिए करेंगे ताकि जो हल्दी का जो टेस्ट है वो घी में तलने से थोड़ा कम हो जाएगा। तेल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कड़वा लगेगा ये सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी जब भी आप बनाएँ आप इसे घी में ही बनाएँ, घी में ही सब फ्राई करें। तो अब इसे हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे, फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कच्ची हल्दी को काटते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप वाइट कपड़ा ना पहने हो, और हाथ में अगर आपको ग्लव्स चाहिए तो ग्लव्स यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हाथ तो पूरा पीला हो जाता है इसे बनाने के वक्त। चलिए एक दही का मिक्सचर बना लेते हैं जो हम इस सब्ज़ी में ऐड करेंगे। तो इस दही में हम डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर। हल्दी डालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये हल्दी की सब्ज़ी है, तो हल्दी तो ढेर सारा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मिक्सचर रेडी करके रखेंगे। जब हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तभी मिक्सचर डाल के हम इसे और अच्छी तरह पकाएँगे। सेम कढ़ाई में आपको फिर से घी गरम करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लवंग, वन फोर्थ टेबलस्पून जीरा, थोड़ा ऐसे चटकने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 काली मिर्च। ये सारे मसाले आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिए। 1 हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी, खड़ा दालचीनी। इसे थोड़ा चटकने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और इसे लाइट ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। अगर आपने 1 कटोरी कटी हुई हल्दी ली है तो आप 1.5 कटोरी प्याज लीजिए। ये ध्यान दीजिए कि हल्दी से मात्रा में ज़्यादा प्याज होना चाहिए, इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, वरना सिर्फ हल्दी हल्दी ये टेस्ट करेगा। अब हम ये प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे गोल्डन ब्राउन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। कूटेंगे नहीं, आपकी मर्ज़ी है तो आप कूट के भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कटा हुआ यूज़ किया है।
अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्रेटेड या कूटा कूटा हुआ अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नाम तो इस सब्जी का है ये सब्जी, लेकिन इसे आपको परोसना है चटनी की तरह थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एकदम सब्ज़ी की तरह आप इसे नहीं खा सकते हैं फिर से, क्योंकि इसमें हल्दी है और हल्दी बहुत स्ट्रांग होता है टेस्ट में। तो चटनी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप बनाकर 4-5 दिन फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। यह पूरी तरह से अदरक लहसुन और मिर्ची को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और लाइट ब्राउन होने तक हमने इसे भून लिया है। फ्लेम को लो पर रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो फ्राइड हल्दी के जो चॉप्ड हल्दी है, फ्राइड हल्दी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही का जो मिक्सचर हम बना कर रखे हैं हमने, वो ऐड करेंगे। फ्लेम लो रहेगा और इसे कंटिन्यू हम चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। और इसे तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई से तेल साइड पे छूटे नहीं। मसाले में से तेल जब अलग हो जाएगा तब आप समझ जाइए कि ये मिक्सचर भून के अच्छी तरह से तैयार है। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, उसी बर्तन को थोड़ा सा खंगाल कर फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसे थोड़ी देर और हम भुनेंगे। अब ऐड होगा स्वाद अनुसार नमक। फिर इसे अच्छे से एक स्टर दीजिए, अच्छे से इसे चलाइए और इसे अच्छे से भुनने दीजिए जब तक कि कढ़ाई तेल नहीं छोड़ता, तब तक हम इसे भुनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटर, क्योंकि मटर सीजन में है इसलिए मटर ऐड किया जाता है। आप चाहें तो स्किप करें या आप चाहें तो कोई और सब्जी जैसे शिमला मिर्ची वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। मटर डालने के बाद हम इसे करीब थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। मटर के पकने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टमाटर। टमाटर को थोड़ा कच्चा रहने देंगे इसलिए इनमें ऐड कर रही हूँ मैं। और फिर इसे हल्का सा हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, ढककर तो हमको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी हल्दी की सब्जी बनकर परफेक्टली रेडी हो गई है। आप इसे चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि बारीक कटी हुई धनिया के साथ गार्निश करिए और गर्मा गर्म पराठे या रोटियों के साथ सर्व करिएगा। खाने में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है, तो इस ठंड में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और अगर आपने रेसिपी ट्राई की है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसी बनी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का।